मुरादाबाद में न्याय अधिकार व विश्व स्तरीय समाज कल्याण की तरफ से सम्मानित किए गए पदाधिकारी गण मुरादाबाद के तहसील बिलारी क्षेत्र गांव व बैटला में न्याय अधिकार व विश्व स्तरीय सहायता जितेंद्र वर्मा समाज कल्याण समिति द्वारा जन सुनवाई पोर्टल समस्याओं का निस्तारण किया जा सकेगा, जिसमें जितेंद्र वर्मा ने बताया कि हमने बिलारी तहसील के गांव बैटला में पहुंचकर अपनी समिति का गठन किया, सभी ग्रामीणों को जानकारी दी, 3 सदस्य बनाए हैं जिसमें गांव की पूरी जानकारी दे सकें, जैसे कि मोहम्मद सालिक सदस्य के रूप में बनाए गए, नंबर 2 मोहम्मद सलीम प्रचार मंत्री, नंबर 3 तुलसी संस्कृत कार्यक्रम की अध्यक्ष के पद पर चुना गया। अच्छा, आपको क्या पद दिया गया? संस्कृत अध्यक्ष बनाया गया है, जो हमें बनाएगा इंशाल्लाह, हम उसकी आगे बनने की कोशिश करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे। क्या क्या मेहनत करोगे? मोहम्मद सादिक। आपको समिति ने क्या पद दिया है? मुझे सदस्य का पद दिया है। किस तरह से काम करेंगे समिति के लिए? समिति के लिए जैसे किसी की सुनवाई करेंगे, किसी जन सुनवाई यानी कि समस्या बता, जो आप हमें समस्या बताएंगे हम उसकी समस्या हल करेंगे। समाज से भी करोगे? जी, समाज से भी करेंगे। ठीक। आपको समिति का क्या कौन सा पद दिया गया है, क्या बनाया गया आपको? प्रचार मंत्री बनाया गया। तो आप प्रचार मंत्री किस तरह का कार्य करेंगे? समाज कल्याण समिति के प्रचार करेंगे। समिति को आगे लेके जाएंगे? समिति को आगे लेके आएंगे और देखभाल करेंगे, जो जैसे भी कार्य होगा, कार्य विकास की जिम्मेदारी साथ निभाएंगे। जिम्मेदारी निभाएंगे। हम जितेंद्र वर्मा है। अच्छा, ग्राम बैटला में आज क्या कार्यक्रम करा संस्थान? ग्राम बैटला में मैंने आज यहाँ पर बैटला में पहुँच कर अपने समिति के का जो गठन किया है उनके नाम प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या क्या नाम है? जिसमें मोहम्मद सादिक को मैंने सदस्य बनाया है, और दूसरा मोहम्मद सालिम साहब को प्रचार मंत्री का पद दिया है, और तीसरा उनमें कुलसुम जो कि हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं, उनको पदभार संभाला गया है। तो किस तरह का माहौल है गांव में, इन लोगों को पद दिया आपने? पद इसलिए दिया गया है, एक तो ये कार्य विकास की जानकारी देंगे, तो कार्य विकास किस तरह का हो रहा है, कौन व्यवस्था की जानकारी देंगे, ताकि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हो सके। ठीक है।